हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त। तो चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 और 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर हैं उसका सम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम लोग तो ऑड नंबर देखेंगे कि 0 से 50 तक ऑड नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, 0 to 50 तक का ऑड नंबर हम लोग को चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ऑड नंबर होता क्या है? ऑड नंबर वैसा नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो 1 डिविजिबल नहीं होगा, 0 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 3 हो जाएगा एक ऑड नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। इसी तरह ये ऑड नंबर चलता जाएगा कहाँ तक? 50 तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 49 तक जाएगा, क्योंकि 49 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑड नंबर हो गया 0 to 50। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को सम निकालना है। सबसे पहले तो ए चाहिए। ठीक है, तो ए क्या है इसमें? ए है आपका 1। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म होता है तो ए 1 है। उसके बाद हम लोग को डी चाहिए, तो डी क्या होता है? a2 - a1। ठीक है, तो a2 क्या है? 3 है, माइनस a1 क्या है? 1 है। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया? 2। तो d हम लोग का 2 आ गया। और n, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? n चाहिए। ठीक है, तो n हम लोग को पता नहीं है कि कितना है। an, ये an है। ठीक है, और n हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो n हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? sn निकालेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं n। n निकालने के लिए क्या करेंगे? n का फॉर्मूला लेंगे। n इक्वल टू होता है a+n-1 × d। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को an पता है। क्या है an? है 49। ठीक है, इक्वल टू a क्या है? a है 1। ठीक है, प्लस n हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, -1 × d। d क्या है? 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 49 में ये 1 है, ये इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस होगा तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई होगा n, तो 2n। ठीक है, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, और ये 2 अब इस साइड आ जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा लिख सकते हैं, 2n इक्वल टू 48 प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगी ये? +2 + 2 हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम लोग को n फाइंड करना है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा 50 / 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 यहाँ n के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50, तो कितना बार में चला जाएगा? 25 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, तो n कितना आया? n 25 आया। तो हम लोग को 25 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? sn। ठीक है, s 25 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो sn का फॉर्मूला, जहाँ sn का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग पता है क्या होता है? n/2 × 2a × 2a + n-1 × d। ठीक है, ये होता है sn का फॉर्मूला। ठीक है, तो h 25 हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? n के जगह 25 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 25 / 2 × 2a। ठीक है, a क्या है? a 1 है। ठीक है, प्लस n 25 है, -1 × d। d कितना आया था? d 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा? 25 / 2 × 2 × 1 = 2 + 25 - 1 = 24। ठीक है, 24 2 = 48। ठीक है, ये हो गया।
अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 2 इनटू ये 48 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड करेंगे 50 तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 25 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ बचा 25 और 25। ठीक है, तो एस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ऑड नंबर का। ठीक है, 0 से 50 तक के ऑड नंबर का ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।